आपके आसपास भी बड़े सारे लोग ऐसे होंगे जिनको आपने कहते हुए सुना होगा, जो है उसी में खुश रहो, ज्यादा कमा के क्या करना, जो नसीब में होगा मिलेगा, जो नसीब में नहीं होगा वो नहीं मिलेगा। सर, अगर आप खुद के लिए कामयाब नहीं होना चाहते हैं तो उनके लिए कामयाब होइए जो आपको कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे एक स्पेसियस, खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा 3 BHK का फ्लैट जो 100 गज में बना हुआ है। लिफ्ट भी है, कार पार्किंग भी है और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। और आप जानते ही हैं, सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के कोई भी फ्लैट्स पे आप लोन ले सकते हैं। उत्तम नगर वेस्ट के पास ये आपको फ्लैट मिल जाता है जो मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, दिल्ली जैसे शहर में। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पे। घर से ही मिलेगा यहीं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सपनों का घर इसी चैनल पे मिल जाएगा। चाहे वो 1 BHK हो, 2 BHK हो, 3 BHK हो, 4 BHK हो, जड़ से मकान हो, जिस तरह की आप चीजें चाहते हैं वो सारी चीजें आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। और हाँ, अगर आप शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हम 60 सेकंड में पूरे फ्लैट की टूर देते हैं। इसी नाम से सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी पेज मिल जाएंगे। और हाँ, आप लोग के लिए हमने एक बहुत ही प्यारी सी वेबसाइट बनाई है जहाँ पे आप ये भी जान सकते हैं कि आपको लोन कितना मिलेगा, EMI कितनी जाएगी, और उस वेबसाइट का नाम है sanvirealestates.com। तो वहां भी आप विजिट कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको यहां से लिए चलता हूं इस फ्लैट के ठीक सामने वाली रोड पे, जहां से आप अपने घर में आएंगे। देखिए, ये जो आप गेट लगा हुआ देख रहे हैं, इसी गेट से आप अपने घर में आएंगे। और जैसे ही आप अपने घर में आते हैं तो ये बड़ा सा पार्किंग का जो दरवाजा है, जो गेट आपको मिल रहा है, वो आपको मिल जाता है। और इससे जब आप एंट्री लेंगे तो पार्किंग का स्पेस देखिए कितना बड़ा आपको पार्किंग का स्पेस मिलता है। इसमें अगर आप स्मॉल गैदरिंग भी करना चाहते हैं, पूजा पाठ, बर्थडे, एनिवर्सरी, तब भी आप इसमें कर सकते हैं। आपको बाहर जाके कोई स्पेस भी हायर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए, ये लिफ्ट है, ऑपरेशनल है, और ये स्टेयर्स मिल रहा है। इसमें हम लोग ने स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाई है। तो चलिए, अब आपको मैं फ्लैट की पूरी टूर करवाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से हम लोग एंट्री लेंगे। और हाँ, एक चीज़ और भी बता दूँ, फ्लैट का जो डायरेक्शन है वो ईस्ट और वेस्ट है। घर से जब बाहर निकलेंगे तो ईस्ट फेसिंग है, अंदर आएंगे तो वेस्ट फेसिंग है। यहाँ से आप अपने फ्लैट में एंट्री लेंगे। जैसे ही आप एंट्री लेते हैं तो मैं लेआउट आपको हमेशा की तरह समझाता हूँ। मैं आज भी वो सारी चीजें आपको दिखाता हूँ, कहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। ये तो बड़ा सा स्पेसियस, ग्रैंड आप कह सकते हैं, ड्राइंग रूम मिलता है, क्योंकि 100 गज का आपको ये पूरा स्पेस मिलता है। जब आप इस तरफ चलेंगे यहाँ, तो यहाँ आपको मिल जाएगा फर्स्ट बेडरूम, ये भी अच्छा खासा और स्पेसियस। इसके साथ आपको बैल्कनी मिलती है, किचन आपको यू टाइप में मिलता है जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक चिमनी लगाई है, और आपको पैंट्री भी मिल जाता है। यहाँ सेकेंड और मास्टर बेडरूम आप कह सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल है, वार्डरोब है, और इसके साथ अटैच वॉशरूम भी है। और यहाँ आपको मिलता है थर्ड बेडरूम। अब हमने, मैं ऐसा करता हूँ कि हमने आपको लेआउट अच्छे तरीके से समझा दिया होगा। अब बात कर लेंगे अपने पूरे फ्लैट की डिटेल की। ड्राइंग रूम में सबसे पहले आप फ्लोरिंग दिखाइए। जो हम लोग टाइल्स देते हैं वो वेटिफाइड टाइल्स होती है, डिजिटल टाइल्स होती है। इसका फायदा ये होता है कि स्क्रैच नहीं लगेगा और इजी टू मेंटेन होता है। साइज आप देख ही पा रहे हैं। अगर आपको इसका लेआउट चाहिए, आप अपना नंबर भेजिए, हम इसका लेआउट आपको व्हाट्सएप कर देंगे। देखिए, जो सोफा यहाँ पे लगाया गया है, एल टाइप में आपको यहाँ पे सोफा मिलता है, साथ में दो पफी मिल जाता है, बीच में कॉफी टेबल है।
8 आदमी के बैठने का यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है, और उसके बाद भी मूवमेंट के लिए, इस तरफ आप दिखाइए, मूवमेंट के लिए अच्छा खासा आपको स्पेस मिल रहा है, कहीं भी आपको कंजेस्टेड फील नहीं होगा। और साथ में ये दीवार जो आप देख रहे हैं, थोड़ा क्लोज करके दिखाइए, इस तरह की पूरी दीवार आपको मिलती है जिसमें हम लोग ने 3D लुक का वॉलपेपर यूज किया है। और साथ में दिखाऊंगा कि चूंकि यहाँ पे हम लोग बैठते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, गेस्ट के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो इसका खूबसूरत होना जरूरी होता है, मैं हमेशा से बोलता हूँ। तो उसके लिए यहाँ जो फॉल सीलिंग की डिजाइन बनाई गई है वो देखिए, कॉप लाइट यूज किया गया है, प्रोफाइल लाइट यूज किया गया है, और LED लाइट्स भी यूज की गई है। तो इस तरह का खूबसूरत सा फॉल सीलिंग डिजाइन। और हाँ, जब आप यहाँ पे बैठेंगे TV देखने का मन होगा आपको, तो उसके लिए बड़ा सा TV पैनल मिल जाता है। देखिए मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ, इतना बड़ा। और यहाँ भी आप देखिए, ये सारा जितनी ये दीवार, ये गेट लगाने के बाद ये जितनी बड़ी दीवार मिल रही थी, हम लोग ने इसे कवर कर लिया है। आप इसे TV पैनल कम स्टोरेज के काम में ला सकते हैं, क्योंकि देखिए इसको क्लोज कीजिए गौतम, यहाँ आपको इस तरह के स्लॉट्स मिलते हैं जिसमें अंदर माइक यूज किया गया है, बाहर में हम लोग ने माइक यूज किया है। यहाँ भी देखिए इस तरह के आपको स्लॉट्स मिलते हैं, और जिस तरह के यहाँ पे ड्रॉर्स बनाए गए हैं उसके साथ साथ ये डिजाइन भी आपको मिल जाता है। तो इस तरह का अच्छा खासा आपको यहाँ पे स्टोरेज मिल रहा है। इंटरकॉम हम लोग लगा के देंगे, इसका फायदा ये होता है कि नीचे जाके आपको पार्किंग का दरवाजा ओपन करने की जरूरत नहीं है, यही बटन प्रेस करेंगे दरवाजा ओपन हो जाएगा। और थोड़ा मैं और भी क्लोज करके चाहूंगा दिखाना, गौतम एक बार यहाँ लाइए, देखिए यहाँ स्पॉट लाइट हम लोग ने लगाया है, कुछ शो पीस या डेकोरेशन के लिए आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ भी एक स्लॉट आपको मिल जाता है, और इस तरफ यहाँ भी आपको ये दो स्लॉट्स मिल जाते हैं। एक बार आप हैंडल भी दिखाइए, यहाँ पे जो मेन डोर है जिसमें हम लोग ने हैंडल यूज किया है, बहुत ही स्टाइलिश हैंडल यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके साथ जो कॉमन वॉशरूम मिलता है उसकी। देखिए यहाँ बड़ा सा आपको कॉमन वॉशरूम मिलता है, और एक चीज मैं नोटिस करवाना चाहूंगा कि जिस तरह का यहाँ पे ये कॉमन वॉशरूम बनाया गया है, जिस तरह से इसकी प्लेसमेंट रखी गई है, वो इस बेडरूम के साथ भी यूज हो जाएगा। मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूँ कि अच्छे खासे स्पेस के साथ आपको ये मिल जाता है। देखिए यहाँ हम लोग ने वॉल माउंटेड सीट लगाया है, और साथ में गीजर के लिए पॉइंट्स भी दिए गए हैं, ऊपर स्मॉल विंडो मिलता है वेंटिलेशन के लिए, साथ में यहाँ आप देख पा रहे होंगे शावर मिल रहा है, डाइवर्टर हम लोग लगा के देंगे, कुछ काम इसमें भी बाकी है, एक ही टाइप से हॉट एंड कोल्ड वाटर मिल जाएगा। और यहाँ हम लोग ने वॉश बेसिन लगाया है, यहाँ भी ये टैप दिया गया है, टैप हम लोग ने यूज किया है वो जैगुआर ब्रांड का है, इसे लेफ्ट राइट करेंगे तो हॉट एंड कोल्ड वाटर आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके साथ जो बेडरूम मिल रहा है वो। यहाँ जो बेडरूम मिल रहा है उसका एक बार फ्लोरिंग दिखाइए, स्पेस भी दिख जाएगा। ये बड़ा सा आपको बेडरूम में अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है। देखिए यहाँ किंग साइज का बेड 6x6 का लगाया गया है, उसके बाद इस तरफ मूवमेंट के लिए जगह मिल रही है, और दूसरी तरफ भी दिखाइए जिधर वार्डरोब है वहां भी आपको स्पेस मिल जाता है। यहाँ हम लोग ने नाइट लैम्प भी लगाया है, और दूसरी तरफ भी आपको नाइट लैम्प यहाँ मिल जाता है। इसके पीछे हम लोग ने जो बैक वॉल है इसका, उसमें वॉलपेपर यूज किया है, और साथ में इसी के ऊपर, इसी से मिलता जुलता जो हम लोग ने फॉल सीलिंग की डिजाइन बनाई है वो देखिए कितनी खूबसूरत है। इसमें प्रोफाइल लाइट यूज किया गया है, और जो POP का काम है उसमें हम लोग ने जो लकड़ी का कलर है वो यूज किया है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वेंटिलेशन की जरूर मैं बात करूंगा, यहाँ विंडो बनाई गई है, विंडो में भी अगर आप ध्यान दें तो दो तरह के पल्ले आपको मिलते हैं, एक तो जाली का पल्ला मिल रहा है और एक कांच का पल्ला मिल रहा है। इसके ऊपर आप विंडो AC भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग ने स्प्लिट AC का यहाँ भी प्रोविजन दिया है, यहाँ पे आपका स्प्लिट AC आ जाएगा। और साथ में इस तरफ आइए गौतम आप, मैं एक बार वार्डरोब दिखाना चाहूंगा। देखिए ये बड़ा सा आपको यहाँ वार्डरोब मिलता है, ये नाइट लैंप है, दोनों तरफ मैंने ऑन कर दिया है। स्लाइडर डोर हम लोग ने यूज किया है, देखिए इस तरह का पूरा यहाँ स्पेस मिलता है, दो इसके अंदर ये ड्रॉर्स आपको मिल रहे हैं यहाँ, और इस तरफ भी मैं स्पेस दिखाता हूँ, इस तरफ भी देखिए पूरा स्पेस मिलता है। इनफैक्ट हम लोग ने जो रॉड है यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की वो लगा दी है जिसमें कपड़ा हैंग करते हैं, और स्टोरेज के लिए आपको ऊपर भी ये सारा स्पेस मिलता है। इनफैक्ट नीचे दिखाइए,
नीचे भी ये स्पेस आपको मिल रहा है। तो जगह की कमी, सामान रखना चाहते हैं, कपड़े रखना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं खलने वाली जगह पूरा आपको यहाँ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जो कुकिंग का फेवरेट प्लेस होता है किचन, उसकी किचन जब आप देखेंगे तो आपका मन खुश हो जाएगा। और आपको किचन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। देखिए ये तो किचन है, स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। किचन में सबसे पहले फ्रिज की बात होती है कि फ्रिज कहाँ रखेंगे। ये अलग से ये पूरा आपको यहाँ स्पेस मिल रहा है, यहाँ आपका बड़ा सा फ्रिज आ जाएगा। ये जो कांच का पार्टीशन हम लोग ने दिया है इसलिए कि जब आप बर्तन धोएंगे तो पानी का छींटा बाहर नहीं जाए, इसका हम लोग खास ख्याल रखते हैं जो यहाँ पे हम लोग ने दिया है। इससे जब आगे चलेंगे एक बार दिखाइए क्लोज करके, ये साउंड प्रूफ सिंक हम लोग ने यहाँ पे यूज किया है। बहुत तेज से भी आप बर्तन रखेंगे तो इसमें आवाज नहीं आएगी। यहाँ पे सारे टैप्स लगा के देंगे, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, दिल्ली जल बोर्ड का जो सप्लाई पानी आता है वो सारी चीजें हम लोग लगा के देंगे। गीजर या आरओ आप यहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए ये सारे स्टोरेज आपको मिलते हैं, एक बार सारे स्टोरेज आप दिखाइए, मैं ओपन कर रहा हूँ। ये सारे स्टोरेज देखिए, किचन में जगह की कमी तो आपको बिल्कुल नहीं खलने वाली। और हाँ, यहाँ जो दो पल्ले हम लोग ने बनाए हैं वो ट्रांसपेरेंट बनाए हैं, इसमें कांच हम लोग ने यूज किया है ताकि आप चाहें तो यहाँ क्रॉकरी आइटम रख सके। और वेंटिलेशन के लिए यहाँ विंडो भी मिल जाती है। और इसी के ठीक ऊपर यहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक चिमनी मिलता है जो आपके हाथ के इशारों से चलेगा। कैसे? ऐसे, इसे आप इस तरफ करेंगे ऑन हो गया। देखिए यहाँ भी लाइट जल गया, मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। ये ऐसे करेंगे ये ऑफ हो जाएगा, फिर से ऑन करना है। आप इसको इस तरह से ऑन कर सकते हैं, इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। एक बार गौतम फ्लैप दिखाइए, ये देखिए जो फ्लैप है ये बाहर आ जाएगा जब ऑन होगा तो, और जब आप ऑफ कीजिएगा तो ये अंदर चला जाएगा। इस तरह से ये अंदर चला जाएगा। अब देखिए इधर भी कितने सारे आपको स्पेस मिल रहे हैं किचन में, ये सारे देखिए। आप भी खुद का किचन भी बनाएं तब भी इस सब चीजों का ध्यान रखें, अच्छी चीजें लगाएं। और हाँ, जगह आपको अच्छा खासा मिले उसके लिए पैंट्री जरूर बनवाएं किचन में, जिस तरह से हम लोग ने यहाँ पे बनवाया है। और हमसे अगर आप फ्लैट लेंगे, ये फ्लैट अगर आप लेते हैं तो इसके साथ तो पैंट्री आपको मिल ही रही है। अब नीचे का मैं स्पेस आपको दिखाता हूँ। देखिए नीचे भी ये बड़े सारे आपको कैबिनेट्स मिल रहे हैं, क्लोज करके दिखाइए। हमारी कोशिश होती है कि आपको मैक्सिमम चीज घर बैठे बैठे ही दिखाया जा सके। जो बड़े कंटेनर होते हैं उसके लिए यहाँ स्पेस आपको मिल जाता है। और इस तरफ ये देखिए यहाँ ये तीनों अलग अलग कैबिनेट्स मिलते हैं। ये कटलरी वेयर के लिए, एक बार क्लोज करिए, इसमें स्मॉल यूटेंसिल्स आ जाएगा, कप है, स्पून है। और बहुत तेज से भी आप लगाएंगे तो बहुत धीरे से जाएगा, इसे बोलते हैं सॉफ्ट क्लोज चैनल, कि बहुत तेज से भी लगाएंगे आवाज नहीं आएगी। इधर भी बड़े कंटेनर के लिए स्पेस दिया गया है, चाहे गेहूं चावल आटा ये सब रखना चाहते हैं। यहाँ भी देखिए एक बार दिखाइए, यहाँ भी देखिए कितने बड़े बड़े स्टोरेज आपको मिल रहे हैं, वो भी डीप स्टोरेज है। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको घर बैठे अच्छी सी टूर दी जा सके। प्लेट के लिए यहाँ अलग स्लॉट्स बना के दिए गए हैं, इसमें भी आपको स्लॉट्स मिल जाते हैं, यहाँ भी स्पेस है, बड़े सारे आपको स्पेस मिल जाएंगे। इस तरह का एक हमने स्पेसियस यू टाइप में किचन देखा। कॉमेंट जरूर करिएगा क्योंकि जब आप लोग का कॉमेंट्स आता है, लाइक्स आते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाता है। अब इसी के साथ में जो बेडरूम मिल रहा है वो देख लेते हैं। दोनों बेडरूम से आपको बैल्कनी मिलती है, बड़ी सी बैल्कनी बनाई गई है तो दोनों बेडरूम की एंट्री उसी बैल्कनी में हो रही है। पहले साइज दिखाइए, थोड़ा बाहर ही रहिए और वहां से ये पूरा साइज दिख जाएगा। देखिए इस तरह का बड़ा सा आपको अगेन एक बेडरूम देखने को मिल रहा है, 100 गज का। ये पूरा आपको रजिस्ट्री हम लोग करके दे रहे हैं, अगर आप यूजेबल एरिया देखिएगा तो तकरीबन 110 गज का हो जाएगा। किंग साइज का बेड लगाने के बाद मैंने मूवमेंट के लिए बताया, इधर भी जगह है, दूसरी तरफ भी जगह है। साथ में यहाँ अगेन हम लोग ने इस तरह का जो प्रोफाइल लाइट है वो यूज किया है, दोनों तरफ नाइट लैंप दिए गए हैं। यहाँ हम लोग ने वॉलपेपर लगाया है। और इसी के साथ अगर आप चाहेंगे कि रेस्ट करें, टीवी देखें, तो यहाँ
टीवी पैनल आपको मिलता है। देखिए इस तरह का टीवी पैनल आपको मिल जाता है, मैं दिखाऊं। इसमें भी हम लोग ने ये बॉक्सेस दिए हैं, इसमें स्पॉटलाइट हम लोग ने यूज किया है। यहाँ आपका टीवी आ जाएगा, ऊपर कुछ सजाने के लिए आप रख सकते हैं। इसमें आपको ड्रेसिंग टेबल भी मिलता है और साथ में जो वार्डरोब है वो भी मिलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग ने ड्रेसिंग टेबल बनाया है। इसे ओपन करेंगे तो अंदर ये सारे स्लॉट्स आपको दिख जाएंगे। कॉस्मेटिक से रिलेटेड जो भी आइटम है आप बहुत आराम से इसमें रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस दिया गया है। और यहाँ देखिए, ये भी दोनों ड्रॉर्स यहाँ मिल रहे हैं और इसके नीचे भी ये बड़ा सा आपको ड्रॉर्स मिल जाता है। इस तरफ दिखाता हूँ, यहाँ देखिए इस तरह का स्पेस पूरा मिल रहा है आपको। अंदर में माइका यूज़ किया है, बाहर में ड्यूल कलर का माइक यूज किया गया है और इस तरफ भी स्पेस मिलता है। और अगेन इसमें थोड़ा क्लोज करके दिखाइएगा, दो ड्रॉर्स यहाँ दिए गए हैं जिसमें हम लोग लॉक भी लगा के दे रहे हैं। तो अच्छे खासे स्टोरेज के साथ ये बेडरूम आपको मिल रहा है। अब इसमें एक बार इस तरफ आइए, फॉल सीलिंग की डिजाइन आप दिखाइए। कॉब लाइट LED लाइट्स के साथ हम लोग ने यूज किया है। ऊपर इस तरह से फॉल सीलिंग की आपको डिजाइन मिल जाती है और इसके साथ जो आपको अटैच वॉशरूम मिलेगा वो भी दिखाइएगा। तो एक बार आप यहाँ से पूरा एंटीक की टाइल्स की फ्लोरिंग मिलती है, जिससे ये होता है कि आपका पैर नहीं फिसलेगा, ग्रिप अच्छी बनी रहती है। और रूफ तक हम लोग ने इसमें टाइल्स यूज किया है। जितने भी सैनिटरी फिटिंग है वो सब करके देंगे, चाहे गीजर के पॉइंट्स हो, टैप्स हो, शावर हो, डाइवर्टर हो। एक बार मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, इसमें वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल रही है जो यहाँ है। आप चाहें तो इसमें एग्जॉस्ट भी लगा सकते हैं। अब चलिए चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम में। और थर्ड बेडरूम में जाने से पहले यहाँ से बालकनी आप देख लीजिए। अब यहाँ से चलिए चलते हैं थर्ड बेडरूम में। कैसा लग रहा है फ्लैट? चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। हमारे फेसबुक पेज पे भी जाइए, इंस्टाग्राम पेज पे भी जाइए, वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए। नई नई चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। यूट्यूब पे कुछ और मिलेगा, इंस्टाग्राम पे आपको कुछ और मिलेगा और फेसबुक पे कुछ और मिलेगा। आप हमें Pinterest, Twitter, शेयर चैट, जहाँ भी आप हमें ढूंढेंगे हम मिल जाएंगे। और हमारी वेबसाइट sanvirealestate.com, उस पर भी आप विजिट करें। अगेन यहाँ बेड हम लोग ने लगाया है, बैकवॉल देखिए आप इस तरह की आपको डिज़ाइन मिल जाती है। और साथ में इसे मैं ओपन करके दिखाता हूँ, देखिए इस तरह का कितना ब्यूटीफुल जो लाइट्स हैं, नाइट लैम्प वो दिया गया है। उस तरफ का भी मैं ऑन कर दूंगा। यहाँ आपको टीवी पैनल मिल जाता है, देखिए डिजाइन इसका इस तरह का आपको पूरा टीवी पैनल मिलता है। स्टोरेज यहाँ दिया गया है। एक बार फॉल सीलिंग की डिजाइन दिखाइए। फॉल सीलिंग में कॉब लाइट और LED लाइट्स हम लोग लगा के दे रहे हैं। अच्छा, मैं इस तरफ का जो नाइट लैंप है वो भी आपको जला के दिखाता हूँ। थोड़ा क्लोज करिए, देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। बहुत ही प्यारा सा नाइट लैंप यहाँ आपको मिलता है। अब वेंटिलेशन के लिए जो आपको विंडो मिलती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए ये विंडो मिल रहा है, बड़ी सी आपको विंडो मिलती है। इसमें भी दो तरह के आपको पल्ले मिलेंगे, एक कांच का पल्ला मिलेगा। इसका फायदा ये होता है कि जब आप इसको ओपन रखेंगे तो वेंटिलेशन आपको प्रॉपर मिलेगा, बट मक्खी मच्छर ये सब घर के अंदर नहीं आएंगे। ऊपर आप अपना विंडो AC लगा सकते हैं। और इसी के साथ एक और आपको बालकनी मिल जाती है जो यहाँ है। बालकनी हमने देख ली है। और अगर मैं इस फ्लैट की सिनॉप्सिस की बात करूँ, 3 BHK का फ्लैट जिसकी रजिस्ट्री 100 गज की है, उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास ये फ्लैट है, जो वॉकिंग डिस्टेंस है मेट्रो स्टेशन से, लिफ्ट है, कार पार्किंग है, इस पे आप लोन ले ही सकते हैं। और किचन आपने देखा कितना शानदार। एक बार मैं चल के ड्राइंग रूम भी आपको दिखाता हूँ। सारी डिटेल वीडियो आपने देखी है और मैं आशा करता हूँ कि ये फ्लैट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस फ्लैट की ज़रूरत नहीं है तो जो आपके नियर एंड डियर हैं, जो फ्लैट देख रहे हैं, जो घर ढूंढ रहे हैं, आप उन्हें ये शेयर कर सकते हैं। तो सर एंड मैम, दीजिए मुझे इजाज़त, हम आपसे मिलेंगे अपने एक नए फ्लैट में नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, ऑफकोर्स आप ही सानवी रियल एस्टेट हैं और आप ही से सानवी रियल एस्टेट है। थैंक यू।